नंबर सात, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर अपने को गुडविल एनुइटी मेथड के बेस पर निकालनी है। तो एनुइटी बेस पर गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास सवाल में जो जो चीज़ें दे रखी है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो सवाल में अपने को दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, NRR दे रखा है, NNR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, और 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 18 का है, 19 का है और 20 का है, और जो प्रॉफिट है वो अपना 3 ईयर्स का है। इसके अलावा इसमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं, जैसे 2019 में ना इनको इस 2000 रुपये का कोई लॉस हो गया था, और 2020 में इनके पास एक 3000 की इनकम थी। तो यहाँ पर अपन अपने सवाल को जैसे सिस्टमेटिक करते हैं, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं अपन, और फिर गुडविल निकालनी है अपने को एनुइटी मेथड, एनुइटी रेट इनटू सुपर प्रॉफिट, यानी एनुइटी मेथड में एनुइटी रेट निकालनी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करने से पहले अपने को जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो प्रॉफिट अलग अलग तरीके के दे रखे हैं, यानी कुछ एडजस्टमेंट अलग से दे रखे हैं। तो पहले ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं जिससे अपने पास प्रॉफिट आ जाए। तो सबसे पहले प्रॉफिट में यहाँ पर लिख लेता हूँ 2018 का मेरा प्रॉफिट, 2019 का प्रॉफिट और 2020 का प्रॉफिट। 2018 का प्रॉफिट मुझे दे रखा है 62,000, 2019 का प्रॉफिट दे रखा है 59,000, और ये दे रखा है 66,000। यहाँ पर अब अपने पास 2019 में एक लॉस था, तो इसका एक रूल्स होता है कि जब अपने को प्रॉफिट सही नहीं दे रखे हो तो अपन प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, और प्रॉफिट एडजस्ट करने का रूल्स होता है लॉस ऑलवेज प्लस होगा और प्रॉफिट हमेशा माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अपन इस रूल्स को फॉलो करेंगे, लॉस को प्लस करेंगे, प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो 2018 ये भी अपना है, 2019 है, तो 2018 के प्रॉफिट में तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 2019 के प्रॉफिट में मुझे क्या रखा है लॉस है 2000 का, तो मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा 2000 रुपये। इसी तरीके से मुझे 2020 में 3000 की इनकम दे रखी है, तो अपने यहाँ प्रॉफिट या इनकम माइनस होती है, तो मैं यहाँ माइनस करूँगा 3000 रुपये। तो अब सारा प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद मेरे पास